चलो भाई ओके, मिलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, चिकन पार्टी करेंगे। बढ़िया ब्लॉग आएगा इस बार का। हाँ, सबने बहुत मेहनत करी है इस बार। चलो, काफी अच्छा रहा इस बार का, मजा आया, बहुत मजा आया। पहले मैं अकेला अकेला घूम ही जा रहा था बस, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद मिल गया, चलो फिर फोटोग्राफ होगी जरूर। चलो ओके, सही है, आप आराम से जाइए, हमें सेफ जर्नी। हाँ, गुरुद्वारा में रुक के। हाँ, मैं थोड़ी देर रुकूंगा, 10 बजे आप आराम से पहुंच जाओगे। सवा ग्यारह, अगर भी सवा ग्यारह तक चंडीगढ़ को, तो आपको लग जाएगा शाम को 7-8 बजे शायद, देखते हैं। चलो ओके ओके भाई। सो सबसे पहले हमारी रीत निभाते हैं। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज हमारी जर्नी कंटिन्यू हो चुकी है आगे के लिए, बोले तो दिल्ली के लिए। लेकिन जाने से पहले हम लोग जाएंगे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा साहिब, मतलब मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। देखो, मनाली आए तो वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर कई बार ही आना होता है। तो अभी चलते हैं सीधा मणिकरण गुरुद्वारा साहिब, और वहाँ से आपको करवाते हैं बढ़िया से दर्शन, और हम भी करते हैं। फिर उसके बाद निकल चलेंगे सीधा हम दिल्ली की ओर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ये हवाई जहाज उड़ने वाला है। तो चलो फटाफट से, आंटी आंटी का पैर लंगड़ा रहा है, मतलब आंटी लंगड़ा रही है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं, निकल चुके हैं, रास्ते में मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, और आगे की जर्नी हम करते हैं कंटिन्यू। सुबह सुबह मैं इसलिए नहीं निकल पाया, थोड़ी सी बारिश का मौसम था तो मैं नहीं निकल पाया, और नींद बहुत ज़्यादा तगड़ी आई हुई थी, क्योंकि कल ऑफ रोड बहुत ज़्यादा था, ऑफ रोड के अंदर थकावट भी बहुत होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार पहले हम यहाँ हो जाते हैं। मैंने टैंक फुल करवा लिया, और अगर आप देखो पहले मनाली बस स्टैंड के पास जो होता था, यहाँ पे सिंगल लेन रोड होती थी, लेकिन अब ये डबल लेन रोड बना दी गई है, क्योंकि पहले इस जगह पे बहुत ज़्यादा बहुत जाम होता था, अब बिल्कुल जाम नहीं होगा। तो अच्छी लोकेशन है, अगर आपको कहीं 2 या 3 दिन का ट्रिप बनाना चाहते हो, आप बिल्कुल मनाली पे बना सकते हो। और चीपेस्ट है पूरे ट्रिप का, सबसे सस्ता होटल हमें मनाली में मिला, जबकि मुझे उम्मीद थी कि सबसे महंगा यहाँ पे होगा। हमें होटल मिला सिर्फ 600 रुपये का, और होटल बहुत अच्छा था, सही था, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ सीजन है। एक्चुअली क्या है कि अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो कि लास्ट मंथ में जो मनाली में बारिश आई थी बहुत तेज़, तो जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ था, उस वजह से ना थोड़े से टूरिस्ट थोड़े कम हो गए इस मौसम में। इस वजह से थोड़ा सा अभी ऑफ सीज़न है इनका, और लोग भी कम आ रहे हैं, तो इस वजह से उनका रेट भी कम हो गया। तो पहले हमारा प्लान था कि वो जो बाकी लोग हैं कि वो भी साथ चलेंगे बाइक या कोई एक टैक्सी करके मणिकरण साहिब गुरुद्वारे, और देन वो वहाँ से वापस आ जाएंगे, क्योंकि शाम की उनकी वॉल्वो है। बट वो प्लान चेंज हो गया क्योंकि बारिश का थोड़ा सा मौसम है, बट मुझे तो निकलना ही था, तो कहते कोई नहीं, मैंने बाकी हम दिल्ली में मिलने का प्लान कर रहे हैं, तो इन्होंने जब दिल्ली आएंगे, दिल्ली में मिलेंगे, मिलने के बाद या देन ये कोलकाता जाएंगे। तो बॉन्डिंग अच्छी बन गई, तो होप सो डेफिनेटली जल्दी और भी कोई ट्रिप बनाएंगे साथ में मिलके, बाकी देखते हैं। यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया गया है, जहाँ से पहले क्या होता था कि मणिकरण से ही रास्ता निकलता था वहीं से रास्ते से, तो अब क्या है कि यहाँ से अगर मैं राइट निकलूँगा दिल्ली के लिए, और लेफ़्ट जाऊँगा तो मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के लिए। तो एक काम करते हैं, इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, तो हम चलते हैं लेफ्ट। कुल्लू से मणिकरण साहिब का जो रास्ता है, नॉट फ्रॉम कुल्लू, फ्रॉम बुंतर से जो मणिकरण साहिब का जो रास्ता है, बहुत प्यारा है। ये सिर्फ पहाड़ों के साथ साथ प्लेन सड़क है, बिल्कुल एक भी खड्डा नहीं है, कोई बम्स नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी रोड है।
भाइयों ने रोका था। बेसिकली है क्या कि मणिकरण साहब अगर जाना है या ये रोड क्रॉस करने के लिए टू व्हीलर की 50 रुपये की एंट्री है। वो देखो बैरियर फी, ये किस नाम की फी होती है मुझे नहीं पता। तो चलते हैं हम आगे, यहाँ से है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर फटाफट से पूरा कर लेते हैं। ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन है, मैं पुलिस स्टेशन में ही लगा लेता हूँ। ये है पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन है। पार्किंग लगा दूँ यहाँ? क्या हुआ, मैं आया था मणिकरण साहब गुरुद्वारे, लेकिन वहाँ पे पार्किंग मेरे पास काफ़ी सामान था और मैं अकेला था। मैंने क्या किया कि पेड पार्किंग में चेक किया, वहाँ पे कोई नहीं था। फ्री पार्किंग में मैं लगाना नहीं चाहता था। देन सामने था पुलिस स्टेशन, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करी कि सर मैं अकेला हूँ तो मेरे पास काफ़ी सामान है, मेरे को सिर्फ माथा टेक के आना है गुरुद्वारे में, तो क्या मैं बाइक यहीं लगा दूँ? उन्होंने एक सेकेंड में मना नहीं किया, मतलब उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि हाँ आप यहाँ लगा दो, आप माथा टेक के आ जाओ। तो बस वहीं पर पार्किंग होगी ताकि बिल्कुल सेफ है। आप थोड़ी देर में फटाफट से माथा टेक के फिर हम चलते हैं वापस दिल्ली की तरफ। ये हॉट केव है, यहाँ पे गर्म पानी है और करा नहीं जाता, ये नेचुरली गर्म है। तो आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हो हॉट वाटर। ये मंदिर है गुरुद्वारे के साथ में, यहाँ पे भी हॉट वाटर है जिसमें चावलों को रखा जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अंदर चावल है। सो अपनी बाइक यहाँ पे आराम से खड़ी थी, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं हुई। हल्की सी बारिश आई है यहाँ, तो फटाफट से निकलते हैं। कसौल ये सारा क्लियर हो जाए तो आगे को कोई दिक्कत नहीं। सो फाइनली मैं निकल पड़ा हूँ मणिकरण साहब पुलिस स्टेशन से मतलब कि मणिकरण साहब से। अब ये गाड़ी सीधा दिल्ली जाके रुकेगी, उससे पहले रास्ते में कुछ खाएंगे। यार भूख लग रही है बहुत तेज की, फटाफट से कुछ पेट पूजा करके हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। बाकी अगर ज़्यादा टाइम लगा ना तो देखेंगे फिर। आज है 9th डे, लेकिन हम उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हुआ क्या कि बारिश आई बहुत तेज़, तो मैं भीग गया, जिस वजह से मुझे वहीं पे स्टे करना पड़ा रास्ते में। तो मैं हूँ इस वक्त बिलासपुर में, बिलासपुर से निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। सो रीत आज नहीं निभाएंगे क्योंकि वीडियो के शुरू में निभा चुके हैं। अगर आपको याद हो day 1 पे मैं यहीं पे रहा था नीलम ढाबा और नीलम रेस्टोरेंट, बट आज मैं वहाँ नहीं रहा, तो आपने जो देखा राणा, तो यहाँ पे मैं रहा था। रूम सही था, ठीक था, ओके था, मुझे कुछ नहीं करना था। रात को बस डेटा कॉपी किया और मैं सो गया। सुबह उठ के मैं निकल पड़ा। तो जब रोड ट्रिप की शुरुआत हुई थी ना, जितना एनर्जी लेवल था ना, आज उसका आधा एनर्जी लेवल है। लेकिन एक बात खुशी भी है कि हम घर जा रहे हैं। आज मैं आपको ये बताता हूँ, लास्ट डे है ना, तो आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने सोलो ट्रिप प्लान क्यों करी। बेसिकली मैं पूरा टाइम अपने आप को देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मतलब साथ में हो कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं रुकना, ये नहीं खाना मुझे, मैं ये खाऊंगा,
तो मैं चाहता था कि जो मेरा मन करे, जहाँ मेरा मन करे रुकने का, मैं वहाँ जाऊँ। इसलिए इसी चीज़ के लिए मैंने सोलो ट्रिप प्लान करी थी। बट हाँ, मैंने कोशिश करी कि कोई एक आधा तैयार हो जाए, बट नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, और हमारी ट्रिप भी बहुत अच्छे से चली। उसी अगर कोई साथ में होता तो मेरे नए दोस्त ना बनते, कोई नहीं था तभी नए दोस्त बन गए और बहुत बढ़िया दोस्त बने हैं। एक और बात कहूँ आपको, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू एन्जॉय, गो फॉर अ सोलो ट्रिप। जितना मज़ा मुझे इस सोलो ट्रिप में आया ना, मेरे को नहीं आज तक किसी ट्रिप में आया। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको सही में एन्जॉय करना है ना, तो एक बार जा के देखो। ज़रूरी नहीं है कि बाइक पे जाओ, जैसे मर्जी जाओ, गाड़ी पे जाओ, बाइक पे जाओ, ट्रेन में जाओ, बस पे जाओ, हवाई जहाज में जाओ, रॉकेट लॉन्चर में बैठ के जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सोलो जाओ, एक बार ज़रूर जाओ, यू विल लव इट। 391 किलोमीटर टू गो। अभी मैंने सोचा है कि 40 किलोमीटर करने के बाद जब 350 किलोमीटर रह जाएंगे, तब मैं रुक के करूँगा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे हल्की हल्की भूख सी महसूस हो रही है। मौसम बारिश वाला है, बारिश ना आ जाए, सारी स्पीड ख़राब हो जाती है। चंडीगढ़ 110 किलोमीटर, नैना देवी 51 किलोमीटर। तो हमने पेट भर लिया अपना अच्छे से, जैसा मैंने कहा था 50 किलोमीटर और करके पेट भरेंगे। अंडा ब्रेड खा लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। ओ डॉगी, तो ये जगह है जवार घाट, मतलब जवार घाट नीचे है। सो अभी अगर देखोगे ना, टाइम आ गया है कैमरे को वापस रखने का, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और बादल भी देखोगे तो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। मैं एक बार ये देखो, देख लो बादल बिल्कुल नीचे हैं, तो एक बार फटाफट से कैमरा वापस रख देता हूँ और थोड़ा सा रेन कवर पहन लेता हूँ। बारिश शुरू हो चुकी है तो फटाफट से सामान पहले कैमरा में मेरे को रख देता हूँ, और अपना इसका वाइज़र भी चेंज करना है क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, तो फटाफट से पहले चेंज करते हैं फिर आगे निकलते हैं। पूरी ट्रिप सारी अच्छे होने से होने के बाद कुछ तो खुराफात होनी चाहिए ना, तो थोड़ी सी क्या दिक्कत हुई है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। हुआ क्या है कि ये जो डिस्क वाले नट होते हैं ना, ये वाले लूज़ हुए पड़े हैं जिस वजह से जो टायर है वो हल्का सा अटक रहा है, बाकी कुछ नहीं है। उसको फटाफट से टाइट कर देंगे और फिर निकलेंगे आगे के लिए। चंडीगढ़ यहाँ से है करीब 60 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद हम मिलते हैं आपको दिल्ली में। और बारिश ऐसे ख़त्म होगी, ये बारिश ख़त्म होगी तो हम फटाफट से कैमरा लगा लेते हैं। तो अच्छे से हो गया, कुछ कोई मेजर इशू नहीं था, बहुत माइनर सा इशू था। जो डिस्क की प्लेट होती है वो, उसकी एक दो नट थे जो है वो हल्के से लूज़ हो गए थे, जिस वजह से वो थोड़ी सी हिल रही थी। तो वो ठीक हो गया, उसके बाद अब नॉर्मल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें ना प्रॉपर पता नहीं है तो धीरे धीरे पता लगती हैं। जैसे अब अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो मेरा ध्यान रहेगा कि हाँ ये भी हो सकता है,
क्योंकि मैंने जब हुआ मैंने एक बार ल्यूब करी अच्छे से, क्लीन करके ल्यूब करी, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो देन यहाँ पे चेक किया तो वो हो गया, सही हो गया। तो बस यहाँ से चंडीगढ़ है करीब 70 किलोमीटर, 70 या 65-70 के करीब। फटाफट से रास्ता क्लियर करते हैं और पहुँचते हैं घर को। वेलकम टू अपनी दिल्ली, दिल्ली में मेरा स्वागत है। सो ट्रिप यहाँ से ख़त्म होती है क्योंकि दिल्ली में हम आ चुके हैं। बोले तो बहुत बढ़िया रहा ट्रिप सब कुछ। अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज़ देखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं देखी, ये एपिसोड देख रहे हो तो पिछली पूरी सीरीज़ देखो, आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे। बढ़िया बढ़िया जगह पे ट्रैवल किया है। बाकी किसी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ ना, अगर मैं बोलता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। तेरा दिया हुआ चैलेंज मैंने किया पूरा, अब तेरी बारी। सेम रूट, सोलो, गर्मी सर्दी बारिश, जो तेरा मन करे, जब तेरा मन करे तब चले जा, लेकिन सोलो राइड करके कंप्लीट करके दिखा पूरा सर्किट, आधा नहीं पूरा सर्किट करके दिखाइयो। आई हैव कंप्लीटेड। कुछ लोगों, अगर किसी को सर्किट के बारे में नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि स्पीति सर्किट का मतलब है कि या तो आप मनाली से जाके स्पीति होके शिमला वापस आएँ, या फिर आप शिमला से जाके स्पीति होके मनाली वापस आए, ये होता है कंप्लीट सर्किट। तो मैंने पूरा किया। जिसके लिए है ये मैसेज वो चेक कर लेगा, पढ़ लेगा और हो सकेगा तो पूरा भी करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब यहाँ वीडियो को मैं बंद करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में आने वाले टाइम में। टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।